सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी के F62 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने अपनी F सीरीज का दूसरा फ़ोन लॉन्च कर दिया है और उसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग भी आपने YouTube पर देख ली होगी। बट दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन की 6 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी F62 भारत में लॉन्च हो चुका है और इसकी दोस्तों जो पहली सेल है वो 22 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको इसकी जो 6 प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 24,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अगर आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो तो आपको इसकी अच्छी बातें और बुरी बातों के बारे में अच्छी जानकारी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसकी 6 प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों हमें इस फ़ोन में मिलती हैं। तो अगर आप इस दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, क्योंकि दोस्तों जिससे ही मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन की जो 6 प्रॉब्लम है उनके बारे में बताता हूँ जिससे आपको दोस्तों एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों साथ में आपको मैं यही बताऊँगा कि इस फ़ोन को आप जब ये दोस्तों इसकी सेल स्टार्ट होगी तो आप इस फ़ोन को कम कीमत में कैसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस फ़ोन की दोस्तों जो पहली सेल है वो आपको 22 फरवरी से फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, जो इसकी जो 6 प्रॉब्लम है वो आपको बताता हूँ मैं, और लास्ट में दोस्तों आपको इसकी प्राइस बताऊँगा कि आप इसे कम प्राइस में कैसे खरीद सकते हो, आप इसे 24,000 से काफ़ी कम प्राइस में कैसे खरीद सकते हो, जी मैं आपको वीडियो लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें तो वो आ गई दोस्तों इसकी बॉडी के अंदर। दोस्तों इस फ़ोन की प्राइस 24,000 रुपये है, बट दोस्तों फिर भी हमें इस फ़ोन में इसके बैग में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा हमें इस फ़ोन में ग्लास बॉडी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों 24,000 रुपये में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन देखने को मिलते हैं और कंपनी हमें ग्लास बॉडी दे रही है, बट दोस्तों सैमसंग की तरफ से हमें इतने रुपये में सिर्फ प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों प्लास्टिक बॉडी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट प्लास्टिक बॉडी क्या होती है दोस्तों इसमें जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं और ग्लास बॉडी में जल्दी स्क्रैच नहीं आते। तो दोस्तों भाई एक प्रॉब्लम मिलती है सैमसंग की तरफ से। अब दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो दोस्तों वो मिलती है हमें इसके फ्रंट में। जी हाँ दोस्तों, हमें इसके डिस्प्ले में कॉर्निन ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, बट दोस्तों अभी लेटेस्ट हमें और भी कंपनियाँ इतने प्राइस में गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन दे रही हैं, बट दोस्तों इसमें हमें सिर्फ गोरिल्ला 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। दोस्तों हमें ऐसा गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलनी चाहिए थी, बट दोस्तों वो कंपनी ने सैमसंग ने हमें इस फोन में नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है जो कि दोस्तों सैमसंग को नहीं करनी चाहिए थी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी इसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। जब दोस्तों आप इस फोन को खरीदोगे तो आपको बॉक्स के अंदर कोई भी बैक केस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी नया फोन लॉन्च करती है तो उसके दोस्तों जो बैक कवर होते हैं वो इतनी जल्दी मार्केट में नहीं आ पाते। तो दोस्तों आपको अगर ये फ़ोन लेना है तो आपको बिना कवर के यूज करना पड़ेगा कुछ टाइम, क्योंकि दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमें बैक केस देखने को नहीं मिलता और दोस्तों साथ में इसकी प्लास्टिक बॉडी है जिस पर दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कहीं स्क्रैच ना आ जाए, और आपको जो कवर है वो कुछ टाइम बाद मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको ये कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये फोन लॉन्च नहीं हुआ है तो कवर मार्केट में कहाँ से आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस फोन में हमें मिलती है 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक फुल एचडी डिस्प्ले है। दोस्तों फुल एचडी डिस्प्ले सैमसंग की तरफ से हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो मिलती है, दोस्तों हमें उसके डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसमें मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सैमसंग अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता तो काफ़ी अच्छा होता, बट दोस्तों ये मेरे हिसाब से कमी है जो सैमसंग ने दोस्तों अपने इस स्मार्टफोन में दी है। वैसे दोस्तों काफ़ी लोगों को जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो पसंद नहीं आता, बट दोस्तों ये कमी है क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा प्राइस और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलना चाहिए था, बट दोस्तों सैमसंग नहीं दिया। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अगली प्रॉब्लम की, जो कि दोस्तों इसकी थिकनेस को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा है, ये हमें 9.5 mm थिकनेस को देखने को मिलता है ये फ़ोन, बट दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको एक ऐसा फोन चाहिए होता है जो दोस्तों काफ़ी स्लिम हो, काफ़ी पतला हो, बट दोस्तों ये फ़ोन आपको थोड़ा मोटा देखने को मिलेगा। नॉर्मली दोस्तों ये थिकनेस होती है
वो 8.5 mm तक होती है, बट दोस्तों इसकी थिकनेस है वो 9.5 mm की है। दोस्तों अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो जब इस पर कवर लगाओगे तो दोस्तों ये फ़ोन आपको और भी ज़्यादा मोटा देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा देखने में हैवी लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले का भी बड़ी है, ऊपर से जो मोटा होगा तो दोस्तों आपको एक हैवी मोबाइल देखने को मिलेगा। अगर आप इसे अपने हाथ में होल्ड करते हो तो ऐसा लगेगा आपने कोई ज़्यादा भारी फ़ोन ले लिया, जैसे दोस्तों पोको का एक्स सीरीज उस टाइप से। तो दोस्तों यही थी वो कुछ प्रॉब्लम जो मुझे सैमसंग की तरफ से फ़ोन में देखने को मिली हैं। वैसे दोस्तों जो प्रॉब्लम है काफ़ी लोग इन सब को नए अंदर कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करनी चाहिए थी सैमसंग को अपने इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ इस फ़ोन की प्राइस की। दोस्तों ये जो फ़ोन है ये हमें 24,000 रुपये से स्टार्टिंग देखने को मिलेगी इस फ़ोन की, बट दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को ICIC कार्ड से खरीदते हो तो आपको इसके ऊपर 2,500 रुपये का एक प्रीपेड डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आप ये फ़ोन सिर्फ 21,500 रुपये कह सकते हो, जो दोस्तों मैं कहूँगा 21,500 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। दोस्तों जो प्रॉब्लम मैं आपको बताई है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर दोस्तों आप इस फोन को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है 21,500 रुपये के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलता है वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।